नमस्कार मुस्निग्धा भारत इतिहास सबुठ जघन्य कांड सांप्रदायिक असूयार घूर्ण्य निदर्शन सांप्रदायिकता को नहीं अनेक राजनीति गुजरात हिंसा को नहीं कटाई अनेक राजनीतिर फसल किंतु यार उत्स मूल कारण संपर्क आलोचनाक मूल घटना आज 15 वर्ष पर पुणी चर्चा 15 वर्षर न्यायिक लड़े पर गुजरात हाइकोर्ट सुनाई चूड़ांत राय 15 वर्ष पर आसी गोधरा राय तीर्थयात्रा करि फेरुथिले माने अयोध्यारु करसेवा करि फेरिबा बेले जियंता जाळी दिया जायथिला 50 रु अधिक निरीह करसेवकंकु एमानंक भितरे थिले महिला एवं शिशु 15 वर्ष धरि अनेक कमिशन गढ़ाला सह सह साखी हजार हजार प्रमाण एवं दिन दिनर सुनाणी परे शेषरे राय सुनाइछंती गुजरात हाइकोर्ट ए घटना संपर्क में विशेष जानिबा पूर्वरु आसंतु प्रथमे जानिबा कोन रहिछि एही राय 15 वर्ष पर आसला न्याय देशर सबुठ कलंकित अध्यायर फैसला तदंत पर तदंत रिपोर्ट पर रिपोर्ट बदलिला सरकार बदली फैसला गोधरा ट्रेन पोड़ी मामलार ऐतिहासिक राय हत्याकारी मिलला आजीवन अकारादंड इतिहास पृष्ठारे लिपिबद्ध एमती एक कलंकित अध्याय जहां के भूली पारे सारा दुनिया गांधी माटी रे गुंडागर्दी एमती भयंकर रूप केबे देखि नथिला गुजरात हेले 27 फेब्रुआरी 2002 बदलाई देला सबकिछि ट्रेन रे घर को फेरुवा 69 जन निरीह लोकों बिना कारण मृत्यु होला हिंसार एक कलंकित रूप पर आहुरी भयंकर होला एमती एक सांप्रदायिक कांड जहां जन्मदेला शांतिर प्रदेश रे व्यापक हिंसा वर्ष पर वर्ष बीतला तदंत पर तदंत केन्द्र रे सरकार बदलिला तासह बदलिला रिपोर्ट हेले एबे एही मामला रे आसी ऐतिहासिक राय 15 वर्षर न्यायिक प्रक्रिया परे गुजरात हाइकोर्ट सुनाइछंती फैसला साबरमती एक्सप्रेस को रक्त रंजित करथिबा दोषी को मिलिछि सजा एही लोमहर्षक मामलार राय सुनाइछंती गुजरात हाइकोर्ट ए मामलार विचार एक स्वतंत्र अदालत रे चलिथिला तेबे मामलार राय प्रकाश उपरे अध्यादेश लगाइथिले सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एही अध्यादेश हटाइबा परे मार्च 2011 रे स्वतंत्र अदालत सुनाइथिले एक ऐतिहासिक राय मामलारे स्वतंत्र अदालत 31 जन को दोषी सब्यस्त करथिले अन्य अभियुक्त को निर्दोष रे खलास करथिले कोर्ट 31 दोषी को मध्यरु 11 जन को फांसी सजा होइथिबा बेले 20 जन को मिलिथिला आजीवन कारादंडादेश स्वतंत्र अदालत रे राय विरुद्ध रे गुजरात हाइकोर्ट रे आवेदन होइथिला एबे से मामलार राय आसीछि गुजरात हाइकोर्ट रे गत 2 वर्ष हेब एही आपत्ति आवेदन उपरे चलिथिला शुणाणी स्वतंत्र अदालत रो समस्त तथ्य और साक्ष्य प्रमाण को आधार करी गुजरात हाइकोर्ट सुनाइछंती फैसला पूर्वरु स्वतंत्र अदालत देइथिबा 11 जन को फांसी दंडादेश को कोहळ करी आजीवन कारादंड रे परिणत करिछंती हाइकोर्ट तेबे अन्य 20 दोषी को आजीवन कारादंडादेश को बलवत्तर रखिछंती कोर्ट
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଫଇସଲା ପରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏହି ମାମଲାରେ ଏବେ କାହାରିକୁ ଫାଶୀ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ, ଗୋଧ୍ରା ମାଟିରେ ସାବରମତୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିଥିବା ମୃତ୍ୟୁର ସୌଦାଗରଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ କଟିବ ଜେଲ୍ରେ। ଏ ମାମଲାରେ କେତେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କୁହାଯାଏ ଗୋଧ୍ରା ଘଟଣା ହିଁ ଥିଲା ଗୁଜରାଟ ହିଂସାର ମୂଳ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ଯେତିକି ରାଜନୀତିର ଫସଲ କଟାଯାଇଛି, ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ସେତିକି ଆଲୋଚନା ଗୋଧ୍ରାକୁ ନେଇ ହୋଇନଥିଲା। ଏପରିକି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଧ୍ରାରେ ନିଆଁ ବଗି ଭିତରୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଗୋଧ୍ରା ଘଟଣା ଥିଲା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏବେ ଗୋଧ୍ରା ରାୟ ଆସିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। आमदार हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो निटली कोर्ट का जजमेंट को कायम रखा है। 31 आरोपियों को जो कसूरवार ठहराया है वो नामदार हाईकोर्ट ने कायम रखा है, लेकिन जो आरोपियों 11 आरोपियों जिनको फांसी की सजा हुई थी उसकी सजा कम करके नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने 11 आदमियों की सजा जन्मठिक में उसमें तब्दील कर दिया है। 63 जो एक्यूज थे जिनको निटली कोर्ट ने वहाँ जो स्पेशल जज साहब ने उनको एक्विट किया था, निर्दोष छोड़ दिया था, वो हुक्म भी नामदार हाईकोर्ट ने कायम रखा है। नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए बताया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की और वो रेलवे डिपार्टमेंट की कुछ क्षतियाँ हैं उसमें। जो आदमी जो गुजर गए हैं उनको 10 लाख रुपया और जो जिसको इजा हुई है उसको इजा के प्रमाण में उसको वर्तर देने का हुक्म किया गया है। जजमेंट को देखते हुए लगता है कि जो मृतक है उनके परिवारजनों को उससे संतुष्ट है, और उनका जो हमारा जो क्लाइंट्स था उनके हस्बैंड सतीश चंद्र रमन लाल व्यास जिसका डेथ हो गया ये इंसिडेंट्स में, उसके वाइफ मीना बेन ने गुजरात हाईकोर्ट में एक्विटल अपील 372 CRPC के हिसाब से की थी। उसमें नामदार हाईकोर्ट ने उसके हस्बैंड को इस इंसिडेंट्स में जो डेथ हुआ है उसको कंसिडर करके जैसे दूसरे लोगों को दिया है हर मृतक को 10-10 लाख रुपये का हुक्म दिया है, और बाकी के जो इंजर है उन लोगों को अपनी इंजरीज के हिसाब से वर्टर देने का जो कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर किया है वो आज अभी नामदार हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया है जजमेंट में। कोर्टों के अंदर न्याय है, हिंदुस्तान के अंदर कोर्टों के अंदर न्याय है, नो डाउट। और मुझे पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के अंदर कोर्ट के अंदर आज भी मानवता और न्याय इंसाफ जिंदा है। उसको इस नज़रिए से मैं देखता हूँ कि काफ़ी डिप्रेशन में थे मेरे जो साथी थे अंदर, जो भाई थे अंदर बेकसूर थे। सजा कोर्ट ने की उसका सम्मान करते हैं, पर फांसी का जो वो उठा के नामदार कोर्ट ने जो राहत की है उससे परिवारों में थोड़ी राहत हुई है। जिस तरह से आरोपियों को सजा दी है इसका मतलब जो कांग्रेस ने एक जानबूझकर एक फर्जीवाड़ा किया था एक कमीशन के तहत कि भाई यह अंदर से आग लगी थी, हादसा था, यानी मर गए बेचारे उन्हीं को दोष देने की कोशिश कर रहे थे। यहां मुझे मैंने जो देखा है तो मुझे लगता है कि कोर्ट का मतलब है कि ये बाहर से हमला हुआ और ये जो हमला हुआ ये एक साजिश थी, ये कोर्ट ने आज माना है। इस देश में न्याय मिलने में तो बहुत देर होती है, और लेकिन बहुत सा इस दुनिया में न्याय नहीं मिलता है तो विश्वास है कि भाई देर है, अंधेर नहीं है, कहीं दूसरी जगह से न्याय होता है। ये फाइनल नहीं है, वहाँ तो कई तरह की चीज़ें हुई हैं, तो वो सब चीज़ें अपना है। न्याय का जो न्यायिक जो फैसला है उस पर तो कोई टिप्पणी का बात है नहीं, लेकिन अपील का अधिकार तो रहता है। ଗୋଧ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ କାଣ୍ଡ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତା ସହ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ନିଜ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ମୁଦ୍ଦା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଏପରିକି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାରି ଭିତରେ ଜାରି ରହିଥାଏ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା,
तेरे आसंतु जानिबा कौन थिला न्यायिक प्रक्रियार से सबु घटनाक्रम गोधरा ट्रेन पड़ी मामलार प्रकाश पाई राय 15 वर्ष पर गुजरात हाइकोर्ट सुनाई ऐतिहासिक राय दोषी को मिली सजा आसंतु नजर पकाइबा सही अभावनीय घटना पर केमिति चली तदंत प्रक्रिया 27 फेब्रुआरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस रे निया लगाइले दुर्वृत्त S6 रे लागिला भयंकर निया जोंथरे 69 जन कर सेवकंकर मृत्यु हला एही लोमहर्षक घटना परे सारा देश स्तब्ध होइगला चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिला गुजरात रो गोधरा आरंभ हला एही दुखद घटनार तदंत प्रक्रिया प्राथमिक पर्याय रे प्राय 1500 जनक नारे दायर हला मामला अनेक अभियुक्तंकु ए घटनारे गिरफ करिबा आरंभ कला पुलिस 3 मार्च 2002 गोधरा ट्रेन पड़ी मामलें गिरफ अभियुक्तों विरोध में लागिला आतंकवाद निरोधक अध्यादेश बा कोटा 6 मार्च 2002 ट्रेन पड़ी घटना और यहां पर व्यापीथिबा हिंसाकांडर तदंत पाई जांच कमिशन नियुक्त कले गुजरात सरकार अभियुक्तों विरोध में रुजु हला अपराधिक षड्यंत्र मामला 25 मार्च 2002 केन्द्र सरकार चाप पर अभियुक्तों विरोध में लगी पोटा को हटाई नियागला 18 फेब्रुआरी 2003 पुणि थे अभियुक्तों विरोध में आतंकवादी संबंधित आईन लगाई दिगला तेरे मामला उपरे कोनोसी न्यायिक शुणाणी उपरे रोक लगाइले सुप्रीमकोर्ट 21 सेप्टेम्बर 2004 केन्द्र में बदलिला एनडीए सरकार आउ क्षमता को आसला कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूपीए सरकार एथिसह समाप्त होगला पोटा आईन मामलार तदंत सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन विचारपति यूसी बानाजी को नियुक्त कले तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव January 2005 मामलार जांच करुवा यूसी बानाजी प्राथमिक तदंत रिपोर्ट सामना को आसला जो तथ्य थिला अति चांचल्यकर कहगला S6 रे लागिथिबा निया थिला एक दुर्घटना आउ एक कथा को अस्वीकार करागला जे निया बाहरु लगा जाइथिला 13 अक्टोबर 2006 यूसी बानर्जी कमिशन को बेनियम घोषणा कले गुजरात हाइकोर्ट एथिसह तांको रिपोर्ट को मध्य अमान्य घोषणा कले कोर्ट जो कहला साबरमती एक्सप्रेस पड़ी घटना थिला एक दुर्घटना 2008 मसीहा गोधरा ट्रेन पड़ी घटनार तदंत गठन है नुआ जांच कमिशन नानावती आयोग को मामलार जांच दिगला दायित्व April 2008 मामलार तदंत लगी रहितादेश हटाई ने सुप्रीमकोर्ट सीबीआई पूर्वतन मुख्य आरके राघवन नेतृत्व में गठन है स्वतंत्र तदंतकारी टीम SIT April 2009 मामलार शुणाणी गठन है स्वतंत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट एडिशनल सेशंस जज पीआर पटेल को मामलार विचार पाई नियुक्त करागला 2010 मसीहा June 2010 रु मामलार शुणाणी आरंभ हुई September 2010 रे शेष होला 28 सेप्टेम्बर 2010 मामलार राय को संरक्षित कले स्वतंत्र अदालत आ उच्चतम न्यायालय अनुमति को अपेक्षा कले 18 जनवरी 2011 मामलार न्यायिक प्रक्रिया उपरे लागिथिबा रहितादेश हटाई नेले सुप्रीमकोर्ट 22 फेब्रुआरी 2011 मामलें स्वतंत्र अदालत 31 जन को दोषी सब्यस्त कले अन्य 63 जन को निर्दोष खलास कले 1 मार्च 2011 विशेष अदालत यह मामलें शुणाइले ऐतिहासिक राय मामलें दोषी सब्यस्त होता 31 जन 11 जन को फाँसी और 20 जन को मिला आजीवन कारादंड 2014 मसीहा 12 वर्षर तदंत पर तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को शेष रिपोर्ट देले नानावती कमिशन 9 अक्टोबर 2017 मामलार राय शुणाइले गुजरात हाइकोर्ट 11 जन को दि जाइथिबा फांसी दंडादेश को कोहल कर आजीवन कारादंड शुणाइले कोर्ट ता छड़ा मामलें क्षतिग्रस्त को 10 लाख टंका लेखाएं क्षतिपूरण देवाक राज्य सरकार और रेल विभाग को निर्देश देले कोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज 15 वर्ष पर गोधरा ट्रेन पोड़ी मामलार आसी राय एमती एक घटना
ଯାହା ସାରା ଦେଶକୁ କରିଦେଇଥିଲା ସ୍ତବ୍ଧ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ପରେ ନେଇଥିଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର ରୂପ। ଗୋଧ୍ରାରେ ଟ୍ରେନ୍ର ସେ ନିଆଁ ସିନା ଲିଭି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶିଖା ବେଶ କିଛି ଦିନ ଜଳିଥିଲା ସାରା ଭାରତରେ। ଏହାର କ୍ଷତ ଏବେ ବି ଶୁଖିନି, ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ। କେମିତି ଥିଲା 2002 ମସିହାର ସେହି ଲୋମହର୍ଷକ ଘଟଣା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 27 ଫେବୃଆରୀ 2002 ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ ଦିନ। ମାନବିକତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଗୁଜରାଟ ଗୋଧ୍ରାର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଂସାର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ। କ୍ଷତ ଶୁଖିଯାଇଛି, ହେଲେ ଦାଗ ଲିଭିନି। ଗୋଧ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି, ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଗୁଜରାଟର ସେହି କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ, ଯେଉଁଦିନ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଆଘାତ ଦେଲା। ଏମିତି ଆଘାତ ଯାହା ଗୁଜରାଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେଲା ଭୟଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର ରୂପ। ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ। କୁହାଯାଏ ଏହି ହିଂସାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ କାରଣ ଥିଲା ଗୋଧ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 68 ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଫେରୁଥିବା କରସେବକ। ଏପରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେମିତି ଘଟିଥିଲା ଗୋଧ୍ରାର ସେହି ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା। 25 ଫେବୃଆରୀ 2002 ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ମହାଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର କୋଣାନୁକୋଣରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କରସେବକ। ଗୁଜରାଟରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅନେକ କରସେବକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତ କରସେବକ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। 27 ଫେବୃଆରୀ 2002 ସବୁଦିନ ଭଳି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ ଗୁଜରାଟର ଗୋଧ୍ରା। ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିବାକୁ ଥାଏ ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ମହାଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଫେରୁଥାନ୍ତି କରସେବକ। ସମୟ 7:43 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିଳମ୍ବ ପରେ ଗୋଧ୍ରା ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଲା ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଧ୍ରା ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ହଠାତ୍ ଚେନ୍ ଟାଣିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଟକିଲା ଟ୍ରେନ୍। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରେନ୍ର ଚେନ୍କୁ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ କଳଙ୍କିତ ଘଟଣାର ସୂତ୍ରପାତ। ସେଦିନ ସକାଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1ରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚେନ୍ ପୁଲିଂ ହେଲା, କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଥିଲା ସୁନିୟୋଜିତ, କାରଣ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘୃଣ୍ୟକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଧ୍ରା ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛାଡ଼ିଥିଲା କି ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ ହେଲା ଚେନ୍ ପୁଲିଂ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କ୍ୟାବିନ୍ ଏ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲା ଟ୍ରେନ୍। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବହୁଳ,
ଅଦାଲତରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସେଠାରେ ଜାଣିଶୁଣି ରଖିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଚେନ୍ ପୁଲିଂ। ଟ୍ରେନ୍ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୋରଦାର ପଥର ମାଡ଼। ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭୟଙ୍କର ପଥର ମାଡ଼। ଏହା ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ପାଖରେ ଥିବା ଅମନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ଅଣାଗଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ। କୁହାଯାଉଛି ସେସବୁ ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେସବୁ ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ର 4 ବଗିରେ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା ନିଆଁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ ଭିଜା କପଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ବଗି ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଥିଲା ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସୁନିୟୋଜିତ। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିବା କରସେବକମାନେ ଏ6 ବଗିରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ6କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏମାନେ। ଏହି ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏ6। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 69 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ 27 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 10 ଜଣ ଶିଶୁ। 48 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ। କେତେକ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଝରକାର ରେଲିଂ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ପଟୁ ଟ୍ରେନ୍ର କବାଟଗୁଡ଼ିକୁ ତାରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବଗିରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ। ଏହି ଲୋମହର୍ଷକ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା, ଯାହାକି ପରେ ସେଠାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର ରୂପ ନେଲା। ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା ଗୋଧ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେତେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଅନେକ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଆଇନର ହାତ। ଏହି 15 ବର୍ଷରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ। ଅନେକ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଶୁଣାଣି ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗୋଧ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାର ରାୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଗୋଧ୍ରାରେ ନିଆଁ କେବେଠୁ ଲିଭିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ ଏଯାଏଁ ଶୁଖିନି। ଶୁଖିନି ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାରର ଲୁହ, କାରଣ ଏଯାଏଁ ବି ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇନର ହାତ ପାହାନ୍ତାରୁ ବାହାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, କେବଳ କାକୁଇ ଅପେକ୍ଷା। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଟ୍ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।